हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा, स्वागत करते हैं आपके शिल्पा माही इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 14 अप्रैल, यानी कि आज है अंबेडकर जयंती। तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चले, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़े। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो अद्वितीय है। आप जानते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, सर उठा के सम्मान के साथ जो हम लाइफ जी पा रहे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। आज हम जॉब कर पा रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ पा रहे हैं। इवन मैटरनिटी लीव जो हमें मिलती है प्रेगनेंसी के बाद, वो सब बाबा साहब की ही देन है। सोचिए अगर बाबा साहब ना होते तो भारत की स्थिति कैसी होती, भारत की महिलाओं की स्थिति कैसी होती। गाइज, मैं तो सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है कि क्या स्थिति होती। सो गाइस, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ें। अब हम जा रहे हैं चैत्य भूमि, जहां पर बाबा साहब की समाधि स्थल है, जो कि मुंबई में दादर स्टेशन है ना, उसके पास में ही है। तो चलिए वहां चलते हैं। उसके ऊपर मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक बार और आप मेरे साथ चलिए और फिर से देखते हैं चैत्य भूमि। एंड गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, वहां मैं बहुत सारी रील्स और पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शिल्पा माही 2831। सो गाइस, अब माही भी रेडी हो चुके तो हम लोग निकलते हैं। हम आ चुके हैं चैत्य भूमि, लेकिन यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पहुँच कर पता चला कि हमें लाइन में लगना होगा, तो फिर हम कम से कम 1 किलोमीटर पीछे गए, इतनी लंबी लाइन थी, तो वहाँ लाइन में लगे। देखिए यहाँ MBA चाय वाला का भी स्टॉल है, और 1 घंटे में करीब हम जहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पर आ पाए। चलिए आगे दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। और ये देखिए आज कितनी प्यारी डेकोरेशन की गई है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। यहाँ की वाइब ही अलग थी, यहाँ पर फूल, कैंडल्स वगैरह और भी बहुत कुछ मिल रहे थे, तो आप चाहें तो यहाँ से ले भी सकते थे अंदर चढ़ाने के लिए। आप अंदर आके भी देख सकते हैं, अंदर भी बहुत लंबी लाइन थी गाइस। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ पर कैंप भी लगाए गए थे कि जो भी लोग आए उनकी अगर बीच में तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाती है तो यहाँ हम दिखवा सकते हैं, क्योंकि गर्मी तो थी गाइस। देखिए आप, यहाँ कैंप भी लगे हुए हैं, और हम लोगों को लाइन में जो लगे थे वहाँ पर पंखे वगैरह भी रखे हुए थे, जिससे कि आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और पुलिस फोर्स भी बहुत था, BMC की तरफ से भी बहुत सिक्योरिटी थी, तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पर गाइस। ये सामने आप जो देख रहे हैं वो बाबा साहब के पुत्र हैं, यशवंत राव अंबेडकर जी। गाइस यहाँ की रौनक देखिए, कितनी प्यारी लाइटिंग की गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। यहाँ मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ का फील अलग ही था गाइस। अगर आप में से कोई गया होगा तो आप ज़रूर वो महसूस कर पाएंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ हर तरह के लोग आए थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सीनियर सिटीजन भी थे। और ये आसपास आप जो शॉप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अंबेडकर जी की स्टैचू या फ़ोटो फ्रेम वगैरह, या महात्मा बुद्ध की स्टैचू और फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी मिल रहे थे यहाँ पर, तो आप चाहें तो बुक्स वगैरह भी थी, आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ये स्तंभ
है गाइस, कितने खूबसूरती से इसे फूलों से डेकोरेट किया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और गाइस ये चैत्य भूमि है ना, ये समुद्र के किनारे बनाया गया है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, पूरा समुद्र है और यहाँ पर एक गार्डन भी है जहाँ बैठने की व्यवस्था भी है, तो आप बैठ सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ आज लाइट एंड साउंड शो हो रहा था गाइस, जिसमें बाबा साहब के जन्म से लेकर उनकी एजुकेशन, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, वो सबको दिखाया गया था। बहुत ही प्यारा है। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, मैं आगे आपको वो भी दिखाती हूँ। चलिए गाइस मैं आपको इधर का एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ का पूरा डेकोरेशन वगैरह, रौनक यहाँ की कितनी, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा समुद्र है। चलिए आपको यहाँ का मैं गार्डन बता रही थी ना, उस गार्डन में चलते हैं। तो देखिए गाइस ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। अभी नाइट है तो शायद प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा है, और यहीं लाइट एंड साउंड शो होने वाला है गाइस, पूरा जरूर देखिए गाइस। उत्तर काळातील भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार, बोधिसत्व, महामानव, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला तो मध्य प्रदेशच्या महू गावामध्ये। महार कुटुंबातील रामजी आणि भीमाई यांच्या कुटुंबात 1891 साली 14 एप्रिल रोजी भीमबाळ जन्माला आला। पण या कुटुंबाचं मूळ गाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबोळे। त्या भीमबाळाचं प्राथमिक शिक्षण साताऱ्याच्या कॅम्प स्कूलमध्ये झालं। अस्पृश्य वर्गातील मुलगा म्हणून याला नेहमीच शिक्षणासाठी बाजूला बसवलं जाईल। 1898 साली त्यांचं कुटुंब मुंबईत स्थायिक झालं। 1907 साली भीमराव मॅट्रिक पास झाले। त्यानंतर एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी बीएची पदवी संपादित केली। ही पदवी संपादित करणारा अस्पृश्य वर्गातील हा पहिला विद्यार्थी होय। याच काळात त्यांचं लग्न झालं ते 9 वर्षांच्या दापोलीच्या रमाबाईशी। अस्पृश्य समाजातील या मुलाची शिक्षणाची भूक पाहता बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांनी अमेरिकेतील शिक्षणासाठी 25 रुपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देऊन केली। त्यानंतर भीमरावानं न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतून अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रामध्ये पदवी संपादित केली। आणि याच वर्षी त्यांना एक आनंदाची बातमी देखील मिळाली, ती म्हणजेच त्यांच्या कुटुंबात यशवंत नामक बाळ जन्माला आलं। एकीकडे शिक्षणाची भूक भागवत असताना भीमरावाचा 1896 साली आईचा आधार हरवला, तर 1913 साली वडील रामजी आजारपणामुळे मुंबईत निधन पावले। दुःखाचं संकट कोसळलेलं असताना यांनी शिक्षणाकडे पाठ फिरवली नाही। 1913 ते 1917 सालापर्यंतचा भीमरावाचा प्रबंध पीएचडी ही पदवी मिळवण्यासाठी कारणीभूत ठरला। यावेळेस भीमराव केवळ 25 वर्षांचे होते। शिक्षणामध्ये पदोन्नती करणाऱ्या भीमरावानं अस्पृश्यतेविरुद्ध संघर्ष देऊ केला। त्या काळात तत्कालीन दलित व मागासलेल्या समाजासाठी त्यांच्या मनात तळमळ निर्माण झाली, आणि त्यातूनच 1927 साली पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांनी महाडच्या चौदार तळ्याचा यशस्वी सत्याग्रह केला। अस्पृश्यांना हिंदू देवळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी नाशिकमध्ये काळाराम मंदिर सत्याग्रह केला। याच वेळेस ते राजकारणातही सक्रिय झाले होते। 1920 सुमारास आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते। इतकंच नव्हे तर दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी पुणे करारही केला। दलित समाजाच्या उद्धारासाठी लढत असताना ये अखंड ज्योती है जो की हमेशा जलती रहती है। चलिए गाइस अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये सामने जो स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ बाबा साहब से जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, उसी टाइम की पुरानी पिक्चर्स हैं वो सब आपको दिखाई जा रही हैं। क्या क्या कार्य किए उन्होंने, तेलंगाना सरकार जो वहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा तेलंगाना में 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, उसी को डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है।
कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।